जय जिनेंद्र। सैकड़ों शास्त्रियों के जीवन शिल्पी डॉक्टर हुकम चंद भारिल साहब का जन्म दिवस है, जिसे हम और आप सब संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। संकल्प तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार का, संकल्प आत्मानुभूति के अभ्यास का। और ये भावना हमारे अंदर जो आती है वो कोई एक दिन में अचानक से नहीं आती है। हमने अपने जीवन के 5-5, 7-7 वर्ष डॉक्टर साहब के सानिध्य में बिताए हैं और उनको बहुत नज़दीक से देखा है, उनको बहुत नज़दीक से समझा है, तब जाके ये भावना उत्पन्न होती है कि अब हम अपना पूरा जीवन तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में समर्पित कर देंगे, जिनवाणी के प्रचार प्रसार में समर्पित कर देंगे। डॉक्टर साहब कौन हैं, क्या हैं, इस बात की चर्चा करने की शायद आवश्यकता नहीं है, पूरा विश्व जानता है। दिगंबर जैन समाज के किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, वहाँ की कोई भी अलमारी आप खोल के देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई पुस्तक आपको ऐसी मिल जाएगी जो या तो डॉक्टर साहब के द्वारा संपादित की गई होगी या उनके द्वारा लिखी गई होगी। और भी अनेक गरिमामयी कार्य किए हैं। मैं तो अभी इस प्रसंग पर एक उनके जीवन का वाकया याद दिलाना चाहता हूँ, उनके जीवन में एक अप्रिय घटना जो घटी उसकी याद दिलाना चाहता हूँ। बात अशोकनगर की है। एक समय उनको वहाँ पर समाज वालों ने प्रवचन करने से मना कर दिया, बहिष्कार कर दिया डॉक्टर साहब का, यहाँ तक कि वे उस मंदिर में दर्शन करने भी नहीं जा सकते थे, जबकि वो मंदिर उनके सामने था। धीरे धीरे माहौल पलटा और बाद में लोगों को अपराध बोध हुआ, पुनः डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि डॉक्टर साहब पधारिए हमारे मंदिर में और आप यहाँ पर प्रवचन प्रारंभ कीजिए। तो डॉक्टर साहब को तो क्या है, जिन शासन की सेवा के लिए ही तो हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है हम प्रवचन प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन एक शर्त है। तो सबके कान खड़े हो गए कि भैया आज तक तो डॉक्टर साहब ने ऐसी कोई बात कही नहीं है प्रवचन में शर्त वर्त की, अब ये शर्त क्यों उपस्थित हो रही है। लोगों ने पूछा विनय से कि भाई क्या शर्त है, तो उन्होंने कहा कि अब यदि आपको प्रवचन करवाने हैं तो मेरे घर तक आपको एक व्यक्ति भेजना होगा 10 मिनट पहले, वो मुझे बुला के लाएगा और मैं आपके यहाँ प्रवचन करूँगा। इस प्रक्रिया के तहत प्रवचन हो सकते हैं कि जिस दिन आप व्यक्ति नहीं भेजोगे उस दिन मैं समझ जाऊँगा कि आपको प्रवचन करवाने नहीं हैं, आपको फिर अलग से कोई प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। देखिए इस पूरे वाक्य में जो सीखने वाली चीज़ ये है वो ये है कि डॉक्टर साहब अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किस तरह से पूरे जीवन तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। क्योंकि जब आदमी का स्वाभिमान खत्म हो जाता है तो वो अंदर से टूट जाता है, तो फिर उसके अंदर वो गौरव वो उत्साह खत्म हो जाता है। उस उत्साह को कायम रखने के लिए उन्होंने एक छोटी सी शर्त रख दी कि आपका व्यक्ति आएगा ले जाएगा मैं प्रवचन करूँगा। मैं कहता हूँ हर विद्वान को ये बात सीखने जैसी है कि अपने गौरव को अपनी गरिमा को खत्म करके कहीं भी किसी भी तरह का काम आप नहीं कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने ऐसी एक नहीं उनके जीवन में सैकड़ों घटनाएं मिल जाएंगी जब उन्होंने अपने गौरव को कायम करते हुए तत्व प्रचार प्रसार के कार्य में क्षेत्र में कार्य किया है। कई लोग इसको संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं वो इसको अहंकार से जोड़ के देखते हैं, अरे बहुत अहंकारी हैं वो। भाई साहब ये अहंकार नहीं है, आप समझो बात को। टोडरमल जी साहब पढ़ो वक्ता के लक्षण क्या हैं, वक्ता यदि प्रतिभावान नहीं होगा, वक्ता यदि गौरववान नहीं होगा, वक्ता यदि दबदबेदार नहीं होगा तो आप वक्ता के सामने विनय से जिनवाणी सुनेंगे कैसे। फिर तो ऐसे होगा हाँ पंडित जी प्रवचन कर दो, पंडित जी बैठ गए और आप यूं करके सुनेंगे, तो बोले यूं करके सुनेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, आपको यूं करके ही सुनना पड़ेगा। ये गौरवशाली जो व्यक्तित्व हमको उनके अंदर देखने को मिलता है और उससे जो सीखने को मिलता है तो हम जीवन भर के लिए उत्साह से भर जाते हैं। कोई मान अपमान करे ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो जीवन का हिस्सा है। ये मान अपमान में हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें अपनी गौरव और गरिमा बनाए हुए किस तरह से समाज में काम करना है, ये यदि आपको किसी से सीखना हो तो वो डॉक्टर भारिल हैं। सीखने वाली बात यह है कि अपने स्वाभिमान को ख़त्म करके कोई काम नहीं किया है डॉक्टर साहब ने, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपका स्वाभिमान खत्म हो गया तो आप अंदर से टूट जाते हैं, फिर आप काम उत्साह से नहीं कर सकते हैं, और जो काम उत्साह से नहीं कर सकते हो उसे तो नहीं करना अच्छा है।
डॉक्टर साहब ने अपना हर कार्य बहुत उत्साह से किया है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य शुरू किया, पचासों साल बीत गए उन कार्यों को, आज तक उन कार्यों में कोई अवरोध नहीं आया, उन्होंने उनके कोई कार्यक्रम बंद नहीं हुए। चाहे उन्होंने प्रवचन की श्रृंखला प्रारंभ की हो, शिविरों की श्रृंखला प्रारंभ की हो, पाठशालाएं शुरू की हो, विद्यालय शुरू किया गया हो, मतलब आपने जो एक्टिविटी, साहित्य प्रकाशन की गतिविधि चालू की गई हो, वितराग विज्ञान चालू किया, जैन पथ चालू किया, जो कुछ भी शुरू किया वो निराबाध रूप से अनेकानेक वर्षों तक लगातार चलता रहा है और आज भी चल रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि वे उत्साहपूर्ण उसमें लगे हुए। वो जिस गतिविधि में व्यक्ति का उत्साह खत्म हो जाता है वो गतिविधि खत्म हो जाती है, वो फिर गतिविधि नाम मात्र को चलती रहती है। दुनिया को दिखती है कि विद्यालय चल रहा है, दुनिया को दिखता है कि पत्रिका छप रही है, उसमें से कंटेंट गायब हो जाता है, इनग्रीड गायब हो जाती है, आप समझिए। तो आज जो जयपुर की जो शान है, जयपुर की जो गरिमा है, दादा के इस नेचर का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। मैं समझता हूँ हम सब विद्वानों को ये सीखने जैसी चीज़ है। समाज के साथ में हम अक्खड़ नहीं बने, हम अहंकारी नहीं बने, लेकिन अपने स्वाभिमान को खत्म करके भी कोई काम ना करें, अन्यथा उत्साह खत्म हो जाएगा। और उत्साह खत्म हो गया तो करना नहीं करना एक बराबर रहेगा। हम अपने उत्साह को बनाए रखें और जीवन भर तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। इस मंगल भावना से मैं अपनी बात विराम करता हूँ। जय जय।